हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिल्की शेंडे फ्रॉम माता यशोदा मेमोरियल इंग्लिश स्कूल परसवाड़ा। आज हम पढ़ेंगे जितने भी मतलब हमारे व्यंजन हैं उसमें आ की मात्रा लगाकर उसका उच्चारण करना। ओके स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ेंगे, क से लेके ज्ञा ज्ञानी तक के जितने भी वर्ण हैं, है ना, उसमें हम क्या करेंगे, आ की मात्रा लगाएंगे। हमने इसके पहले वीडियो में आप लोगों को क्या सिखाया था, मात्राएँ सिखाया था आ से लेके आहा तक के। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूरे क से लेके ज्ञा ज्ञानी तक के जितने भी वर्ण हैं उनमें आ की मात्रा लगाएंगे और उनका हम क्या करेंगे, उच्चारण करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप मेरे वीडियो को देखिए। तो सबसे पहले वर्ण में हम क्या करेंगे, मतलब कौन सा वर्ण आता है हमारा, क कलम का आता है, ठीक है। अ से अह तक के क्या है बच्चों, स्वर है, और ये क्या है, क से लेके ज्ञा तक ज्ञानी तक के व्यंजन है, ठीक है। तो हम सबसे पहले व्यंजन मतलब हम व्यंजन में ही मात्राएं लगाएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला वर्ण हमारा व्यंजन में कौन सा आता है, क कलम का। ओके, सो हम यहाँ पे आपको राइट करके बता रहे हैं, क कलम का। ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे, आ की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, का में आ की मात्रा का। ओके स्टूडेंट्स, क्या बन जाएगा, का में आ की मात्रा का। अब देखते हैं कि क कलम के बाद में हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा आता है, ख खरगोश का। सो हम इसमें क्या जोड़ेंगे, अब आ की मात्रा प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, खा में आ की मात्रा खा। ओके स्टूडेंट्स, क्या बन जाएगा, खा में आ की मात्रा खा। वैसे ही ख के बाद में हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा आता है, ग गमले का, है ना। सो ग में हम क्या प्लस करेंगे, आ की मात्रा प्लस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो ग में आ की मात्रा ग क्या हो जाएगा, गा में आ की मात्रा गा, है ना। अब देखते हैं कि ग गमले के बाद में हमें नेक्स्ट वर्ड कौन सा मिलता है, घ घड़ी का। सो घ घड़ी का, घ घड़ी में हम क्या करेंगे, आ की मात्रा प्लस करेंगे, सो क्या हो जाएगा, घा में आ की मात्रा घा। ओके स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, घा में आ की मात्रा घा, है ना। अब घा घड़ी के बाद में नेक्स्ट वर्ड कौन सा आता है, इंगापड़ी का आता है, आता है इंगापड़ी का आता है, बट इसे हम बारह घड़ी में यूज नहीं करते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं। अब घा घड़ी के बाद में इंगापड़ी, और इंगापड़ी के बाद में क्या आता है बच्चों, चार चक्की का आता है ना। सो चार चक्की का हम यहाँ पे लिखते हैं, चार चक्की का, चार चक्की में हम काय की मात्रा प्लस करेंगे, आ की मात्रा प्लस करेंगे, सो चा में आ की मात्रा चा। ओके स्टूडेंट्स, चा में आ की मात्रा चा। अब देखते हैं कि चा चक्की के बाद में हमें नेक्स्ट वर्ड कौन सा मिलता है, छा छत्ते का, है ना। सो हम छा छत्ते का यहाँ पे लिखेंगे, छा में आ की मात्रा प्लस करेंगे, सो छा में आ की मात्रा छा। ओके स्टूडेंट्स, छा में आ की मात्रा छा। सो बच्चों, अब हम आपको बताएंगे कि छा छत्ते के बाद नेक्स्ट वर्ड कौन सा आता है। सो नेक्स्ट वर्ड आता है अपना झा जहाज का आता है। ओके स्टूडेंट्स, सो हम झा जहाज का आपको लिख के बता रहे हैं, झा जहाज का, झा जहाज में हम क्या करेंगे, आ की मात्रा प्लस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो क्या बन जाएगा, जा में आ की मात्रा जा। ओके, क्या बन जाएगा, जा में आ की मात्रा जा। अब देखते हैं कि जा जहाज के बाद में हमें नेक्स्ट वर्ड कौन सा मिलता है, झा झंडे का। झा झंडे में हम आ की मात्रा प्लस करेंगे, सो झा में आ की मात्रा झा। ओके, क्या बन जाएगा, झा में आ की मात्रा झा। अब झा झंडे के बाद में हमारे नेक्स्ट वर्ड कौन सा मिलता है, या पंजे का मिलता है, है ना, बट हम इसे
नहीं लिखेंगे, ओके। फिर झाझंडे में, झाझंडे के बाद में यापंजे का, यापंजे के बाद में टमाटर का आता है ना। सो टमाटर का, और टा में आ की मात्रा, टा, सो टा में आ की मात्रा टा, ओके स्टूडेंट्स। हमने टा लिखा, टा में आ की मात्रा को क्या किया, प्लस किया है। सो ये क्या बन गया, टा में आ की मात्रा टा, ओके। उसके बाद में टा टमाटर के बाद में हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा आता है, ठा ठट्रेल का, है ना। सो ये ठा ठट्रेल का, और ठा में हमने कौन सी मात्रा जोड़े, आ की मात्रा जोड़े। सो ठा में आ की मात्रा ठा, ओके, सिंपल। ये देखिए हमने यहाँ पे ठा ठट्रेल का लिखा है, ठा में आ की मात्रा को हमने प्लस किया है, सो क्या हो गया, ठा में आ की मात्रा ठा, ओके ओके स्टूडेंट्स। सो ठा ठट्रेल के बाद में हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है ड डमरू का। सो हम यहाँ पे आपको राइट करके बता रहे हैं, ड डमरू का, ड में हमने आ की मात्रा जोड़े, सो क्या बन गया, ड में आ की मात्रा डा, ओके स्टूडेंट्स, क्या बन गया, डा में आ की मात्रा डा। अब देखते हैं कि ड डमरू के बाद में हमें नेक्स्ट वर्ड कौन सा मिलता है, हमें नेक्स्ट वर्ड मिलता है ढ ढक्कन का, ओके स्टूडेंट्स। सो हम यहाँ पे ढ ढक्कन का लिखेंगे, बट ढ ढक्कन में भी हमें कोई मात्रा नहीं लिखना है, ओके स्टूडेंट्स। ढ ढक्कन के बाद में क्या आता है, अड़ा बांध का आता है। अड़ा बांध में भी हमको क्या करना है, आ की मात्रा प्लस करना है, ओके, और फिर उससे क्या बन जाएगा, अड़ा आ की मात्रा अड़ा, ओके स्टूडेंट्स। अड़ा में कौन सी मात्रा बन जुड़ जाएगी, आ की मात्रा, सो क्या बन जाएगा, अड़ा में आ की मात्रा अड़ा, ओके। सो अड़ा बांध के बाद में हमें नेक्स्ट वर्ड कौन सा मिलता है, नेक्स्ट वर्ड कौन सा मिलता है, ता तलवार का, ओके। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ता तलवार का, ता तलवार में हम आ की मात्रा प्लस करेंगे, सो ता में आ की मात्रा ता, ओके स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, ता में आ की मात्रा ता। फिर उसके बाद में ता तलवार के बाद में हमें नेक्स्ट वर्ड कौन सा मिलता है, था थर्मस का, ओके। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, था थर्मस का लिखेंगे, ये हमारा क्या है, था थर्मस का, है ना। सो था में आ की मात्रा था प्लस करेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये था में आ की मात्रा था, ये हमने था थर्मस का लिखे, आ की मात्रा प्लस किए, तो क्या बन गया, था में आ की मात्रा था, ओके। अब देखते हैं कि था थर्मस के बाद में हमें नेक्स्ट वर्ड कौन सा मिलता है, ठीक है, हमें नेक्स्ट वर्ड कौन सा मिलता है, द दवात का, ओके। सो हम यहाँ पे आपको द दवात का लिख के बता रहे हैं, ये क्या है बच्चों, द दवात का है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, आ की मात्रा प्लस कर देंगे, सो द में आ की मात्रा दा, ओके, क्या हो जाएगा, द में आ की मात्रा दा, ओके। सो फिर उसके बाद में हमें नेक्स्ट वर्ड कौन सा मिलता है, द दवात के बाद में, दादाबाद के बाद में हमें नेक्स्ट वर्ड कौन सा मिलता है, धा धनुष का, ओके। सो हम यहाँ पे धा धनुष का लिखेंगे, धा धनुष में हम क्या प्लस करेंगे, आ की मात्रा, सो क्या हो जाएगा, ये धा में आ की मात्रा धा, ओके, क्या हो जाएगा, धा में आ की मात्रा धा। अब धा धनुष के बाद में क्या आता है बच्चों, ना नल का, है ना। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ना नल का, ना में आ की मात्रा ना, सो ना में आ की मात्रा ना, ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा ना नल का बन गया, ओके, ना में आ की मात्रा। अब ना नल के बाद में हमें नेक्स्ट वर्ड कौन सा मिलता है, पा पतंग का, सो पा में हम आ की मात्रा जोड़ेंगे, ये पा पतंग का है, पा में हमने आ की मात्रा प्लस किया, सो पा में आ की मात्रा पा, ओके। फिर नेक्स्ट वर्ड कौन सा आता है पा पतंग के बाद में, फाफल का, ओके। सो हम यहाँ पे फाफल का
लिखेंगे प्लस करेंगे आ की मात्रा, सो फा में आ की मात्रा फा। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हमें नेक्स्ट वर्ड कौन सा मिलता है। ओके सो फा फल के बाद में आता है बा बकरी का। ओके स्टूडेंट्स, सो हम यहाँ पे आपको बा बकरी का लिख के बता रहे हैं। ये क्या है बच्चों? बा बकरी का है, इसमें हमने आ की मात्रा प्लस किया, सो क्या बन गया ये? बा में आ की मात्रा बा। ओके क्या बन गया ये? बा में आ की मात्रा बा। अब बा बकरी के बाद में नेक्स्ट वर्ड कौन सा आता है? भा भालू का। ओके स्टूडेंट्स, सो ये है भा भालू का। अब इसमें हम आ की मात्रा प्लस करेंगे, सो भा में आ की मात्रा भा। क्या बन जाएगा? भा में आ की मात्रा भा। अब भा भालू के बाद में हमें नेक्स्ट वर्ड कौन सा मिलता है बच्चों? माँ मछली का, है ना। सो हम यहाँ पे माँ मछली का राइट करेंगे, उसमें क्या करेंगे? आ की मात्रा, और वो क्या बन जाएगा? माँ में आ की मात्रा माँ। ओके क्या बन जाएगा? माँ में आ की मात्रा माँ। ओके अब माँ के बाद में हमें नेक्स्ट वर्ड कौन सा मिलता है? या यग का। ओके सो हमने या यग का लिखा, आ की मात्रा, सो या में आ की मात्रा या। ओके स्टूडेंट्स, अब या यग के बाद में हमें नेक्स्ट वर्ड कौन सा मिलता है? रस्सी का, है ना। सो ये हमने रस्सी का लिखा, आ की मात्रा लिखा, रा में आ की मात्रा रा। ओके स्टूडेंट्स, और रस्सी के बाद में हमें कौन सा मिलता है नेक्स्ट वर्ड? है नेक्स्ट वर्ड हमें मिलता है ल, लड़के का। ओके सो हम यहाँ पे ल, लड़के का लिखेंगे। ये क्या है? ल में आ, ल लड़के का, और ये ला में हमने आ की मात्रा प्लस किया, सो ला में आ की मात्रा ला। ओके ला में आ की मात्रा ला। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं ल लड़के के बाद में हमें नेक्स्ट वर्ड कौन सा मिलता है? व वजन का। व वजन में हमने आ की मात्रा प्लस किया, सो वा में आ की मात्रा वा। ओके नेक्स्ट वर्ड हमें कौन सा मिलेगा? अब व वजन के बाद में हमें नेक्स्ट वर्ड कौन सा मिलेगा? सोशल जम का। ओके सो शो आ की मात्रा शो, और शा में आ की मात्रा शा, शा में आ की मात्रा शा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि श शलजम के बाद में हमें नेक्स्ट वर्ड कौन सा मिलता है। श शलजम के बाद में हमें नेक्स्ट वर्ड मिलेगा श षटकोण का। ओके स्टूडेंट्स, सो ये स षटकोण का है, और श में आ की मात्रा, ठीक है। सो क्या बन गया? स में आ की मात्रा शा। ओके अब देखते हैं श षटकोण के बाद में हमें नेक्स्ट वर्ड कौन सा मिलेगा? शासरोते का। ओके तो ये सासरोते का, सा में आ की मात्रा सा, सो क्या बन गया? सा में आ की मात्रा सा। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि ससरोते के बाद में हमें नेक्स्ट वर्ड कौन सा मिलता है, ठीक है। ससरोते के बाद हलवाई का। ओके स्टूडेंट्स, सो हम यहाँ पे आपको ह हलवाई का लिख के बता रहे हैं। ये है ह हलवाई का। ओके सो आ की मात्रा हमने इसमें प्लस किया, सो हा में आ की मात्रा हा। ओके ह हलवाई का ये हमने आपको बता दिया। अब देखते हैं कि ह हलवाई के बाद में हमें नेक्स्ट वर्ड कौन सा मिलता है। ह हलवाई के बाद में हमें नेक्स्ट वर्ड मिलता है छ क्षत्रिय का। ओके आ की मात्रा हमने इसमें प्लस किया, सो छ में आ की मात्रा छ। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि छ क्षत्रिय के बाद में नेक्स्ट वर्ड हमें कौन सा मिलता है। त्रिशूल का। सो ये क्या है? त्रिशूल का है, त्र में आ की मात्रा, सो त्र में आ की मात्रा त्र। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि त्र त्रिशूल के बाद में हमें नेक्स्ट वर्ड कौन सा मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, सो यज्ञानी का हमें नेक्स्ट वर्ड मिलता है, उसमें आ की मात्रा हमने प्लस किया,
सो ग में आ की मात्रा ग्या। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको हमने यहाँ तक के आ की मात्रा में पूरे जितने भी व्यंजन थे ओके सब में हमने आ की मात्रा को आपको जोड़ के बताया और उसका उच्चारण करके आपको बताया है। ओके सो आप लोगों की जो नोटबुक है, हिंदी की जो आपकी नोटबुक है, उसमें आप आ की मात्रा वाले वर्डों को आप क्या करिएगा, फिलअप करिएगा और मुझे उसकी फोटो क्लिक करके सेंड करिएगा। ओके थैंक यू।